यार क्लासिक गेम ऑफ क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अभी मीम आना शुरू होंगे कि नवाज ने तो हमेशा मुल्क की मारी ही है, और अभी फिर कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि नो बॉल थी या नहीं थी। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तान शो सम नर्व इन दी एंड, क्योंकि बाबर और रिजवान नहीं चले। लेकिन नहीं चले तो क्या हुआ यार, मतलब पहला गेम था और वो आखिरी बॉल तक गया है। वो नो बॉल डेफिनेटली और वाइड बॉल जो है वो मैच चेंजिंग थी। प्लस अब लोग कहेंगे कि नमाज से आखिरी ओवर क्यों करवाया। भाई जिस तरह की सिचुएशन थी उस पर स्पिनर को आप उस वक्त भी नहीं लगा सकते थे, उसके आखिरी ओवर में 18-20 रन पड़े थे, तो आई थिंक बिल्कुल सही किया। ओवरऑल इट्स अ क्लासिक गेम ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इससे ज़्यादा बेहतर राइवलरी हो नहीं सकती है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, स्पेशली विराट कोहली, हैट्स ऑफ टू हिम। क्या बंदा खेलता है यार, मतलब क्या बंदा खेलता है, मैं फ़ैन हूँ यार इसका, सीधी सी बात है। और नवाज को कर्ज करने के बजाय जो है वो टीम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन थी मैच की उसमें ओवर बचाना लाजमी था, क्योंकि बाबर गया था विकेट के चक्कर में, 4 आउट हो चुके थे। तो वहाँ पे भी मैं कहता हूँ गलती नहीं है, हारिस को जो 2 छक्के पड़ गए, वरना ओवरऑल बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बॉलिंग की थी उसने, लेकिन उसको जो 2 छक्के पड़ गए वो थोड़ा सा मैच टर्न हो गया। तो यार अभी पाकिस्तान के मैचेस और भी हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह मतलब जिस तरह की नर्व्स पाकिस्तान ने शो किए हैं तो आगे भी अच्छा ही खेलेंगे यार, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मिडिल ऑर्डर में जो है वो दोनों चल गए, इफ्तिखार भी चल गया, शान मसूद भी चल गया, और फील्डिंग अच्छी रही, कोई कैच ड्रॉप नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। बस वही है कि हम पाकिस्तान वर्सेज इंडिया है, तो इसलिए हम जो है वो हमारा जीना मरना जो है वो वहीं हो जाता है। तो खैर कोई मसला नहीं है, दुख तो होता है लेकिन आंसू भी तो छुपाने पड़ते हैं, अभी इंडियंस फ्रेंड को मुंह भी देना है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही।